आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चूना, सीमेंट व ईंट प्रदर्शित है? ठीक, विकल्प है हमारे पास नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है चूना, सीमेंट और ईंट। ठीक है, तो हम लोग इसमें संबंध निकालने का कोशिश करते हैं चूना, सीमेंट और ईंट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चूना ना ईंट से बना होता है ना सीमेंट से बना होता है, सीमेंट ना चूना से बना होता है ना ईंट से बना होता है, ईंट ना चूना से बना होता है ना सीमेंट से बना होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि चूना, सीमेंट और ईंट में किसी भी तरीके का कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि चारों चित्र में कि कौन तीनों जो है वो अलग अलग होगा, उसमें से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा गलत विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प हमारे पास एक के अंदर एक, फिर अंदर एक, ये भी विकल्प नहीं। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही विकल्प है, क्योंकि ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये तीनों का अलग अलग मान है। तो ये मान लीजिए कि ये चूना हो गया, ये हो गया आपको सीमेंट, ठीक है, और ये ईट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विकल्प संख्या तीन जो है वो सही हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।